I'm here today to make a complaint, to tell you about Arod's pain, about dying species and drying lakes. They say I complain. वो कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बट हम मानने वाले कहाँ? Hi, my name is Rithima Pandey. I'm 15 years old and I'm a climate activist based in Uttarakhand, India. मेरा बचपन एक फेरी टेल जैसा था. सारा दिन नदी के किनारे हंसते खेलते कूदते ऐसे ही बीत जाता था. पर एक दिन सब बदल गया. जिस नदी ने मुझे नर्चर किया वही नदी मेरा सबसे बड़ा डर बन गई. टीवी पे कॉन्स्टेंटली गंगा ओवरफ्लो होने के वीडियोस आ रहे थे. हर तरफ पानी ही पानी था और इस पानी ने सब कुछ बहा दिया था. आई वॉज सो यंग एंड आई वॉज सो स्कैर्ड. इतनी काम और इतनी नर्चरिंग नदी कैसे इतनी डिस्ट्रक्टिव हो गई? आई हैड सो मैनी क्वेश्चंस और मैं धीरे धीरे उनके आंसर्स ढूंढने लगी. आई स्टार्टेड टू सी हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड. आई हैड टू डू समथिंग बिग टू सेव माई होम, माई उत्तराखंड. सो आई कंप्लेन. मैं सिर्फ 9 साल की थी. मुझे नहीं पता था कोर्ट्स कैसे चलते हैं, लॉस क्या होते हैं, बट मुझे एक चीज जरूर पता थी कि अगर मैं अपनी वॉइस रेस करूंगी तो कोई ना कोई मेरी कंप्लेंट्स को जरूर सुनेगा. न्यूयॉर्क में मैंने अपना पहला क्लाइमेट स्ट्राइक अटेंड किया और वही देखकर मैंने अपनी कंट्री में भी अपना अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया. माय एक्शन पॉइंट्स वर वेरी क्लियर. नंबर 1, बच्चों से बात करके उनको अवेयर करना. नंबर 2, वर्ल्ड लीडर्स से मिलकर क्लाइमेट एक्शन को इन्फ्लुएंस करना. एंड नंबर 3, जो भी एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं उनके अगेंस्ट आवाज उठाना. चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट वी हैव टू डू आवर 100% ईच एंड एवरी टाइम. हमें तो बस करते रहना है. मैं ये सब उस 6 साल की रिधिमा के लिए कर रही हूँ जिसने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को महसूस किया है, जो रात में फ्लैश लाइट्स के डर से सो नहीं पाती थी. मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि इन फ्यूचर किसी भी और बच्चे को इस डर का सामना न करना पड़े. वो कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, पर गिले शिकवे मिटाना भी तो ज़रूरी है.